हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त विभूतिभूषण आचार्य। वेलकम टू माय चैनल हाई फ्लाइंग पिजन। सभी भाइयों को मेरे तरफ से नमस्कार। तो भाई भी आज का जो टॉपिक है, तो पिजन के पर में जो कीड़े वगैरह होते हैं, छोटे छोटे ब्लैक जैसे मक्खी जैसा कीड़े होते हैं, बहुत सारे कीड़े होने के कारण उनका पर भी खराब हो सकता है और खराब भी होता है। उनका पर आप देखोगे तो बहुत टाइम में पर में छोटा होल डॉट डॉट जैसा कोई सुई घुसाया होगा, थोड़ा डॉट डॉट जैसा हो जाता है, पर खराब हो जाता है। बीच बीच में पर कटा जैसा भी आपको दिखा जाता है। ठीक है, तो जो पिजन के जो पर है, पर में अगर कीड़े वगैरह होते हैं, उनको कैसे हम साफ करेंगे? साफ करने का तरीका बहुत ही ईजी है, तो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। तो भाई, पिछले का जो टॉपिक था, मैं आपके साथ डिस्कशन कराया था, तो पिजन का ग्रीन बीट पिजन का जो ग्रीन बीट का इलाज मैं पिछले का टॉपिक में आपके साथ शेयर करवाया था, और बहुत सारा कमेंट भी आया था। दो तीन भाई ऐसे हैं, वो कमेंट करे थे, तो वो कमेंट किए थे कि भाई वीडियो में आप ज़्यादा मत बोलो, हमको पिजन का शौक ज़्यादा करवाओ, कोई आपका बात नहीं सुनने वाला है। कोई अभी वीडियो जो यूट्यूब में जो लोग वीडियो बनाते हैं, कोई वीडियो को ज़्यादा सुनने को पसंद नहीं करता है। उनके बात यही है, सुनने को कोई पसंद नहीं करता है। बहुत लोग कबूतर देखना चाहते हैं और शौक करवाना चाहते हैं। तो भाई, बहुत सारा वीडियो है, आप गूगल हो, यूट्यूब हो, जो भी मीडिया है, उसमें आप डायरेक्ट नेट में सर्च करके आप अपना जो भी कबूतर का शौक करवाना चाहते हो, खुद देखने के लिए चाहते हो, तो वही वही सोशल मीडिया में आप सर्च करो, उसको देखो। पर मेरा जो काम है पिजन का डिजीज, मैं बीच बीच में कुछ कबूतर का शौक करवाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं तो शौक नहीं करवाता हूँ। पर मेरा जो मेन काम है, मैं दूसरे भाई को साथ शेयर करवाता हूँ कि भाई पिजन का जो बीमारी है, डिजीज है, कैसे हमको कौन सा नुस्खा हो, कौन सा मेडिसिन ट्राई करके हमको बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा और हमारा कबूतर सुस्त रहेंगे, बीमारी ज़्यादातर नहीं रहेंगे। तो इस टॉपिक के साथ मैं आपके साथ बहुत ही वीडियो बहुत सारे वीडियो में टॉपिक आपके साथ डिस्कशन किया हूँ, पर जो कॉमेंट भाई ने दिया था वो मैं फिलहाल डिस्कशन करता हूँ। भाई ने बोला था कि भाई बातें करने से कोई नहीं सुनता है, वो बहुत लोग कबूतर को वीडियो देखने के लिए चाहते हैं, कबूतर शो करवाना चाहते हैं कि भाई कबूतर ऐसा है, नस्ल ऐसा है। तो भाई मेरे को वो पसंद ज़्यादा नहीं है, बीच बीच में शो करवाऊंगा, हमेशा मैं कबूतर का शौक नहीं करवाता हूँ। कभी टाइम मिलता है तो आपके साथ ज़रूर शेयर करवाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं। बहुत ही भाई है, वो लोग भी दूसरे एरिया में जाते हैं, दूसरे का कबूतर दिखाते हैं, शो करवाते हैं, इस भाई का कबूतर सेल होगा, दूसरे का भाई का कबूतर सेल होगा, नंबर वगैरह भी शो करवाते हैं। भाई मैं दूसरे कहाँ पर किसी का घर में भी नहीं जाता हूँ, खुद का जो नुस्खा है आपके साथ शेयर कर बताऊँ। कुछ सेल वगैरह हो खुद का तो मैं कुछ भाइयों के साथ सेल करता हूँ, तो मैं ज़्यादातर मेरा कबूतर पिजन हो जो सेल वगैरह नहीं करवाता हूँ, ये भी एक चीज़ है। तो जो भाई ने बताया था कमेंट में कि भाई कबूतर का शौक करवाओ, तो भाई कबूतर तो शौक जरूर करवाएंगे आपको, पर मेडिसिन नुस्खा पहले बात है। जो भी कबूतरबाज है, जो भी मेरा नई भाई है, जो नया शो कर रहे हैं, उनको कबूतर कैसे बीमार नहीं पड़ेगा, इसीलिए मैं आपके साथ हर नुस्खे, हर मेडिसिन आपके साथ जितना भी नॉलेज होता है आप लोग के साथ शेयर करवाता हूँ। ठीक है, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। तो आज का जो टॉपिक है, टॉपिक के ऊपर चलते हैं। ठीक है भाई, तो पिजन के पर में जो कीड़े होते हैं, कीड़े को कैसे हमको साफ करना है? तो कबूतर को पर में अगर कीड़े वगैरह होते हैं, वो ब्लड जो पिजन के ब्लड है उसको चूस लेते हैं, चूस लेने से उनको क्या होता है, सोकरे का बीमारी होता है, पर खराब हो जाता है, उड़ान में कम होता है। तो आपको कैसे ये जो कबूतर का पर में और उनका बॉडी में छोटे छोटे ब्लैक जैसा कीड़े हो जाते हैं, उनको कैसे हमको साफ करना है, तो सुन जरूर सुनना भाई। पहले वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक देखोगे तो आपको कुछ नॉलेज वगैरह शेयर होगा, हमेशा मैं आपके साथ शेयर भी करवाता हूँ। तो भाई जो आपको लेना है मार्केट से, उसका नाम है बूटेक्स, और बूटॉक्स भी आता है, दूसरे नाम अलग है पर काम एक है। जो भी मेडिसिन है, तो आपको अगर ये नुस्खा जो बूटॉक्स, बूटॉक्स और बूटेक्स दो भी एक ही काम है, उसको आपको क्या करना है, कैसे यूज करना है आपके कबूतर के साथ, एक टॉनिक आएगा उसका लिक्विड फॉर्मेट में, तो उसको आप क्या करना है, एक बाल्टी में, एक बकेट में पूरा पानी लेना है भर के, या टॉप में पूरा पानी लेना है, वही पानी में पूरा बोतल को पूरा उसके अंदर डाल देना है, वो लिक्विड को पानी में मिक्स करना है। आप जो भी कबूतर को उड़ाना चाहते हो और जिन कबूतर को पर में ज़्यादा से ज़्यादा
मक्खी वगैरह जो भी कीड़े होते हैं उनको साफ करना चाहते हो, उनको भाई उस पानी में साफ करवाओ। कबूतर को पानी में भिगा के उसको साफ करो, देखो आप कीड़ा वगैरह साफ होता है कि नहीं, आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है कि नहीं। उसका वो जो पिजन का कीड़े वगैरह मारने के लिए मैं आपको देसी नुस्खा हल्दी यूज़ करके कैसे आपको कीड़े वगैरह मारना है वो भी बताया था आपका नुस्खा, पर ये मेडिसिन देख के आपको कैसे रिजल्ट मिलेगा ये भी एक नुस्खा है। दूसरा मेडिसिन है हाईटेक है बूटेक्स से, तो आपका बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा बूटेक्स में। आप फिलहाल जो भी यूज़ करते हो तो यूज़ करो, पर आप अगर बूटेक्स यूज़ करोगे या बूटेक्स आपको जो भी मार्केट में मिलते हैं आप वो लिक्विड लाना है, पानी में मिक्स करके हर कबूतर को आपको नहाना है, उनको बात करवाना है वही पानी में, तो आपका पिजन में जो भी कीड़े वगैरह है वो साफ हो जाएंगे, आपका कबूतर सुस्त रहेंगे, सोकरा बीमारी भी नहीं जाएंगे, पर खराब नहीं होगा तो उड़ान भी अच्छी रहेगी ही रहेगी, पर खराब होगा तो भाई उड़ान कम भी हो सकता है। तो अगर आप उड़ाने से पहले, मगर समर में आप उड़ाने जाते हो तो आपको डिवॉर्मिंग भी करवाना है, विटामिन देना है, जो भी आपको करवाना है मैं आपको पिछले के वीडियो में हमेशा आपके साथ शेयर करवाता हूँ। तो भाई का एक रिक्वेस्ट है कि भाई पिजन के पर में जो कीड़े वगैरह होते हैं उसको कैसे हम साफ करेंगे, देसी नुस्खा तो मैंने फिलहाल बताया था, तो मेडिसिन यूज करके हमको कैसे ये नुस्खे में हमको रिजल्ट मिलेगा तो मैं आपके साथ ये शेयर करवाता हूँ। तो फिर से भाई सुनना, बूटेक्स, बूटेक्स का एक लिक्विड आता है उसको पूरा जितना भी है इतना बड़ा लिक्विड आता है 30 ml का, उसको पूरा पानी में भिगाना है, पानी में पूरा मिक्स करना है 1 बाल्टी के पानी में, उसमें आपका जो भी कबूतर हो या हर कबूतर को आप पानी में उनको नहा के आप वो कीड़े वगैरह मार सकते हैं, आपका कबूतर सुस्त रहेंगे, बीमार नहीं रहेंगे, ठीक है। अगर आपने ये नुस्खा ट्राई करो, अगर आपको रिजल्ट मिलता है तो भाई कमेंट जरूर करना, ठीक है भाई, नमस्कार। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो भाई लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, ठीक है भाई, धन्यवाद, नमस्कार।